नमः ऋषभ देवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला युष्मा काविर्भूता मई तरे। महानुभाव, आप पद्मनंदी पंचमी शतका में दान का उपदेश सुन रहे हैं, दानोपदेश अधिकार को सुन रहे हैं। दान, दान की महिमा, आचार्य क्या कहते हैं, नामापि यः स्मरति मोक्ष पथस्य साधो राशुक्षयं व्रजति तद्दुरितं समस्तं, यो भक्त भेषज मठाधिकृतोपकार संसार मुत्तरति सोत्र नरो न चित्रम। नामापि यः स्मरति मोक्ष पथस्य साधो, जो साधु कैसे हैं कि मोक्ष पथ में लगे हुए हैं, मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्ग स्वरूप जो साधु हैं उनका नाम स्मरण भी समस्तम दुरितम क्षयम भजति, उनका नाम स्मरण करने मात्र से ही समस्त पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे जो मोक्ष मार्गी साधु, रत्नत्र की साधना करने वाले साधु, उनको जो भक्त माने भोजन और भेषज यानी औषधि और मठादि वसत का दान यानी अतिथि भवन मुनि वसतिका आदि जो बनाते हैं उसका दान जो देते हैं, मंदिर आदि को जो कमरे बनवाते हैं साधुओं को ठहरने के लिए वो जो देते हैं, और स्वास्थ्य दान, इनसे जो उपकार करते हैं वो जीव संसार में संसारम उत्तरति, संसार समुद्र को पार कर लेते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं है। तो ये क्या कहते हैं आगे, किम ते ग्रहा किमि हिते ग्रहिणो नेषाम अंतर मनस मुनियो नहीं संतरंती, साक्षात स्मृति वसा चरणोदकेन नित्यम पवित्र धराग्र प्रदेशाः। भव्यात्मा, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं आचार्य। वो कहते हैं किम ते ग्रहा, अरे वो घर क्या है, वो घर कैसे हैं, किमि ते ग्रहिणो नेषाम, और वो गृहस्थ कैसे, वो घर कैसा और गृहस्थ कैसे, कि जिनके यहाँ मुनियों नहीं संकरंती, मुनियों का आवागमन नहीं होता है, मुनि किसी गृहस्थ के घर में आहार दान के सिवा कभी नहीं जाएंगे, हमेशा ध्यान में रखना, आहार दान के लिए जाते हैं और कदाचित क्वचित कोई गृहस्थ संलेखना में रथ है तो उसको संबोधन करने के लिए, महामंत्र सुनाने के लिए या दीक्षा आदि प्रदान करके उसको अंतिम सुधार करने के लिए कदाचित जाते हैं, बस कदाचित क्वचित, तो अन्य किसी निमित्त से साधु गृहस्थ के घर में प्रवेश नहीं करते हैं। तो भगवात्माओं कहते हैं कि जिनके यहाँ साक्षात स्मृति वसात चरणों के ने नित्यम पवित्र धराग्र सुलभ प्रदेशाह, जिनके घर मुनियों के चरणों तक से पवित्र हुए हैं, वही घर घर है और वही गृहस्थ गृहस्थ हैं, जिन्होंने मुनियों के चरणों तक को अपने मस्तक पर चढ़ाया है घर में, वही गृहस्थ उनका जीवन धन्य है, पवित्र है। भव्यात्मा, एक बार चर्चा आई संघ में, आचार्य श्री वीर सार महाराज के सामने एक विद्वान ने चर्चा किया कि चौके में साधु को परिधान करके ले गए, पाप प्रक्षालन किया, तो उनके गंधों तक को मस्तक पर लगाना कोई जरूरी है, कहाँ लिखा है। चर्चा हुई, आचार्य श्री ने मेरे सामने कहा लाओ प्रमाण दिखाओ, हंस करके, क्योंकि वो प्रमाण जानते थे, मैं बहुत छोटी थी 22-23 वर्ष की उम्र, गुरु ने कहा सन 1956 की बात है, आचार्य श्री ने कहा, और मुझे पद्मनंदी पंचमी शतका का श्लोक याद था, मैंने सुना दिया, साक्षात स्मृति वसात चरणोदकेन नित्यम पवित्र धराग्र सुलभ प्रदेशाः, चरणोदक से जिनका सिर का प्रदेश मस्तक अग का अग्रभाग पवित्र नहीं हुआ है वह गृहस्थ क्या, अर्थात आहार दान के समय जब साधु घर में उनका पड़गाहन होता है आप उन्हें उच्च आसन पर बिठाते हैं, पहला पड़गाहन फिर उच्च आसन पर विराजमान करना, पुनः उनकी पूजा करना, पहले पड़गाहन किया एक भक्ति हुई, फिर आप उच्च आसन पर विराजमान किया दो भक्ति हुई, पुनः पाप प्रक्षाल किया तीन भक्ति हुई, पूजा किया चौथी भक्ति हुई, नमस्कार किया पांचवी भक्ति हुई, फिर मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है और भोजन शुद्ध है, ये चार प्रकार की शुद्धि बोला, चार भक्ति हुई, ये नवधा भक्ति होती है जब साधु आहार लेते हैं मुनि और राधिकाएं। तो चरण प्रक्षाल एक भक्ति है, वो तीसरी भक्ति में आ गई, लेकिन उसके साथ चरणोदक को गंधोदक को मस्तक पर चढ़ाना यही बहुत स्पष्ट है
चरणोदकेन नित्यम पवित्रित धराग्र सिरप प्रदेशा, जिनका धरा भूमि और अग्र सिरप प्रदेश मस्तक का अग्रभाग जिनका पवित्र हुआ है चरणोदक से, वही गृहस्थ गृहस्थ। तो भव्यात्माओं, ये चरण प्रक्षार करके गंधोदक लेना, परगहन करके तीन प्रदक्षिणा देना, ये उसी भक्ति में शामिल है, हमेशा ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से नवधा भक्ति जब होती है तभी साधु आहार लेते हैं। आज भी वो परंपरा चली आ रही है। कब से शुरू हुई? इस युग में, इस अवसरपिणी काल में भगवान ऋषभ देव ने जब प्रथम आहार हस्तिनापुर में लिया था, राजा श्रेयांश ने नवधा भक्ति को प्रयोग दिया था, उस समय से प्रारंभ हुई है और अंत तक वीरांगज मुनि तक जाएगी, सर्वश्री हारिका तक जाएगी। और ये अनादि परंपरा है, विजय क्षेत्र में शाश्वत है, जहाँ धर्म शाश्वत है, मुनि धर्म, हारिका धर्म और श्रावक धर्म, गृहस्थ धर्म शाश्वत चला आ रहा है, वहाँ शाश्वत परंपरा है। तो भव्यात्माओं, ये आहार दान की भक्ति सचमुच में आचार्य ने कहा है, सतपात्र दान जनितोन्नत पुण्य राशि रेकत्र वापर जने नरनाथ लक्ष्मी आद्यात परस तद विदुर्गत एव यस्मात आगामी काल फलदायी न तस्य किंचित। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं गुरु को आहार दान देने का पुण्य की राशि बहुत बड़ी है, और नरनाथ लक्ष्मी और चक्रवर्ती का भले ही संपत्ति, राजाओं का राज्य उसके आगे तुच्छ है। क्यों? अगर उसका उन्होंने सदुपयोग नहीं किया त्याग करके और मोक्ष मार्ग में नहीं लगे तो धन को राज्य दुर्गति में ले जाएगा, शुभम चक्रवर्ती नरक चला गया। भव्यात्मा, वो राज्य किस काम का? और ये पुण्य अनंत गुणा होकर स्वर्ग और मोक्ष को फलने वाला है। तो भव्यात्मा, मैं आपको एक उदाहरण सुनाऊँ। जयपुर में 1954 में चातुर्मास आचार्य देशभूषण महाराज का शहर में पाटन जी मंदिर में और दीवान जी के मंदिर में आचार्य श्री विराजमान थे। वहाँ पर लगभग 100-100 चौके लगते थे, खूब लोग आहार प्रधान के लिए खड़े होते थे। 9 बजे आचार्य श्री एक थे, एक छुल्लक थे और हम 2 छिल्लिकाएँ थी। एक विद्वान ने एक मंदिर में मीटिंग किया रात में कि ये धन का अपव्यय है। आचार्य श्री और उनके साथ के साधु 3-4 चौके मीट जाते हैं, ये धन का अपव्यय हो रहा है, 100-100 चौके लग रहे हैं। अगर एक एक चौके का 5-5 रुपया भी व्यर्थ का रखा जाए, भाई कुछ फल लाते हैं, कुछ मेवा लाते हैं, भक्ति से करते भले साधु ले न लो, तो धन का अपव्यय हो रहा है। और यही धन एकत्रित करके अगर प्रत्येक घर से 5-5 रुपया भी लेकर के और 500 इकट्ठा किया जाए, गरीबों को लगाया जाए, तो बहुत पुण्य मिलेगा। अगले दिन पंडित इंद्रराज जी मुनिभक्त प्रसिद्ध थे, उन्होंने मीटिंग की एक मंदिर में। उस मीटिंग में उन्होंने कहा, क्या कोई सज्जन जो आहार दान देने के लिए चौका लगाते हैं, परधान करने खड़े होते हैं, कोई अपना चौका बंद करके और वो धन 2-2 रुपया 5-5 रुपया गरीबों के लिए देने को तैयार है क्या? लोग खड़े होकर बोले, अरे आहार दान की भावना का पुण्य हमें उसे मिलेगा क्या, ये बताओ आप। अगर दे सकते हो तो हम करने को तैयार, नहीं तो नहीं। आहार दान की भावना का पुण्य कितना बड़ा है, वो सब समझते हैं। भले ही साधु घर में ना आवे, उनको आहार देने का योग नहीं मिला, लेकिन आपने परगहन किया, आपने आहार दान का पुण्य प्राप्त कर लिया। भले पूरा पुण्य नहीं, आधा मान लो, महान पुण्य अनंत गुणा पुण्य में आधा मान लो, लेकिन उसे पुण्य मिल गया। और तमाम लोग तो आसपास में जाकर देकर भी आ जाते हैं। तो भव्यात्मा, आहार दान का पुण्य अपने आप में अचिंत्य है, महिमापूर्ण है। जहाँ 75 वृष्टि हो सकती, आज भले ही न हो तो उसका अपन आज भी बहुत मायने रखता है। तमाम लोगों ने अनुभव किया है कि हम आहार दान देकर हम महान 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 बन गए और कितने धनी बन गए। गरीबों ने अनुभव किया हुआ है। आहार दान देने वाले कभी भी जो है ये निश्चित है, अगर सम्यक तो नहीं है तो कदाचित भोगभूमि में जाएंगे, या पहले मनुष्यवि बांध लिए तो भोगभूमि में जाएंगे, अन्यथा स्वर्ग ही जाएंगे। अरे दान की अनुमोदना करने वाला अकृत पुण्य पुण्यहीन बालक, आप धन कुमार चरित पढ़े, पुण्यहीन बालक जिनके जन्म लेते ही पिता मर गए, राज्य चला गया, राजपुत्र उसकी माँ दूसरे घर में आटा पीस कर नौकरी करके भोजन बच्चे को पाल रही थी, बच्चे को भोजन देती थी, ऐसे अकृत पुण्य की माँ महारानी और वो दासी के रूप में, ऐसा अकृत पुण्य बालक जिसमें उसकी माँ ने एक मुनि को खीर का आहार दिया, वो गदगद होकर के प्रसन्न होकर के नाच रहा था
उसने जो पुण्य संचित किया उसी दिन खीर खाकर गया था जंगल में। व्याघ्र ने खा लिया, मर करके देव हो गया और कालांतर में धन्य कुमार हुए हैं। धन्य कुमार, आप धन्य कुमार चरित्र पढ़े, धन्य कुमार हुए हैं, धन्ना सेठ नवनिधि के स्वामी। भव्यात्मा और दान की महिमा अचिंत्य है। अनुमोदना मात्र से पशुओं ने सूकर, नेवला, व्याघ्र और बंदर, इन्होंने केवल दान को देखा था। राजा बद्रजंग और रानी श्रीमती ने जंगल में मुनियों को आहार दिया था और केवल देखा था, देखने मात्र से उसके देख रहे थे पशु, और वो जाकर भोग भूमि में मर करके आर्य हो गए और कालांतर में ऋषभदेव के पुत्र हुए हैं, मोक्ष गए। तो भव्यात्मा, इसी संदर्भ में मैं आपको बताऊं, जिन राजा श्रेयांश का स्मरण किया है आचार्य श्री पद्मनंदी देव ने, जिन्हें दान तीर्थ प्रवर्तक कहा है भव्यात्मा, वो कौन थे? भगवान ऋषभदेव, आठवें भव में राजा बद्रजंग और उनकी रानी श्रीमती, जिन्होंने अपने युगलिया पुत्रों को आहार दिया था जंगल में। उस समय रानी श्रीमती का जीव और राजा बद्रजंग ने जो आहार दिया था उसके पुण्य के फल से आगे चल करके आठवों के बाद राजा बद्रजंग तो भगवान ऋषभदेव हुए हैं और रानी श्रीमती का जीव राजा श्रेयांश हुआ है। और जिस समय भगवान 1 वर्ष 39 दिन के बाद भ्रमण करते हुए यहाँ आए, किसी को आहार दान की विधि मालूम नहीं थी। राजा श्रेयांश को एकदम भगवान को वो देखते ही, आहार मुद्रा में भगवान को देखते ही जाते स्मरण हो गया। आठवें भोग पूर्व जब राजा बद्रजंग ने रानी श्रीमती के साथ जंगल में अपने युगलिया पुत्रों को आहार दान दिया था नवधा भक्ति पूर्वक, एकदम राजा श्रेयांश को स्मरण में आ गया, जाते स्मरण हो गया आठ भोग पूर्व का। ओहो, ये राजा बद्रजंग मेरे पति भगवान ऋषभदेव के हैं तीर्थंकर, और मैं रानी श्रीमती का जीव राजा श्रेयांश हुआ हूँ। आहार की विधि, नवधा भक्ति कैसे करना, चट उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके भगवान नमोस्तु 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 अत्र तिष्ठ तिष्ठ, प्रणाम किया, 3 प्रदक्षिणा दी और एकदम गदगद मना आनंद आंसु महल के अंदर ले गए। उच्च आसन पर विराजमान करके पात्र छाल करके गंधोदक आदि लेकर नवधा भक्ति करके इक्षु रस का आहार दिया था। तो भव्यात्मा, दान की महिमा कितनी विशेष है। आप ऋषभदेव के 10 अवतार पढ़ें, परपुर के 10 भवों को पढ़ें, भगवान शांतिनाथ के भवों को पढ़ें, राजा श्रीसेन, दान की महिमा, और भी अनेकों उदाहरण हैं। धन्य कुमार का मैंने धन्य कुमार चरित्र अवश्य पढ़ें। इसके साथ ही वर्तमान के आप देखें उदाहरण भक्तों के, जो गुरुओं को आहार दान देकर अपने जीवन को सार्थक और धन्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है मैंने यहाँ आपको बताया कि पुण्य की राशि, दान देने से उत्पन्न हुई जो पुण्य की राशि, जो पुण्य अनंत गुणा पुण्य, वो एक तरफ, और नरनाथ लक्ष्मी साम्राज्य पद राज्य लक्ष्मी एक तरफ, क्योंकि वो भविष्य में दुर्गति का कारण बन सकती है, और ये पुण्य भविष्य में स्वर्ग और मोक्ष का कारण ही बनेगा। इस बात पर हमेशा ध्यान रखते हुए और हमेशा पुण्य का संचय करें तो आप दान की महिमा को समझ करके और हमेशा दान देने का पुरुषार्थ करें, और जब आपको साधु नहीं मिलते हैं भावना भाएं, पुण्य का संचय करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद।